चीन के लिए एक और मुसीबत है। चीन को घेरने के लिए दो धुर विरोधी तिब्बत और ताइवान साथ आने को भी तैयार हैं। चीन को घेरने के लिए तिब्बत ताइवान साथ आ सकते हैं। ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर संदेश, दलाई लामा ने वीडियो जारी कर शोक जताया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो भी शेयर किया है। ताइवान यात्रा की इच्छा जता चुके हैं दलाई लामा। My great friend. तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा का ये वीडियो संदेश है जिसे उन्होंने ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग के लिए जारी किया है। दलाई लामा के इस वीडियो को ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने भी शेयर किया। इस वीडियो से साफ है कि कभी एक दूसरे के विरोधी रहे ताइवान और तिब्बत एक दूसरे के करीब आने लगे हैं। चीन के हर चाल को नाकाम करने के लिए चीन के सबसे बड़े दो दुश्मनों की दोस्ती ड्रैगन की सांसें जरूर अटका सकती है। ये वीडियो ये भी साफ करता है कि एक तरफ चीन जब सारी दुनिया को आंखें दिखाने की कोशिश करता है तो उसकी चालबाजी से उकताए दो सबसे धुर विरोधी तिब्बत और ताइवान ही आपस में नजदीकियां बढ़ाने से भी कतरा नहीं रहे। चीन ताइवान को अलग हुआ प्रांत मानता है और जरूरत पड़ने पर ताकत के बल पर हासिल करने की बात करता है। ड्रैगन की हर चाल होगी नाकाम, ताइवान तिब्बत की दोस्ती से मिला पैगाम। तिब्बत के सबसे बड़े आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने पहले ताइवान यात्रा की इच्छा जताई थी, अब ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर शोक जताना ये साबित करता है कि दोनों धुर विरोधी देश कितने करीब आने को आतुर हैं, जो कि जिनपिंग के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। एलएसी पर तनाव बढ़ाने से हिंद की सेना पर हमले के लिए चीन के राष्ट्रपति ने वही प्लान सोचा है जो 50 साल पहले चीन ने अपनाया था। एलएसी पर जंग के लिए जिनपिंग का 50 साल पुराना प्लान साउथ चाइना सी में ताकत दिखाकर उलझाने की कोशिश है। साउथ चाइना सी में ताकत, एलएसी पर हमले का चीनी प्लान, कोरिया से उलझकर चीन ने किया था तिब्बत पर कब्जा, 50 साल पुराने प्लान के तहत जंग छेड़ने का चीनी प्लान। पहले दिमागी कसरत, फिर जंग का ऐलान, चालबाज चीन की पुरानी फितरत, पुराना प्लान। समंदर में बवंडर, आसमान में गर्जना, गोलियों की गड़गड़ाहट, तस्वीर ड्रैगन की ताकत की, तस्वीर चीनी सेना की गीदड़ भक्ति की, अपनी ताकत दिखाती ड्रैगन की लाइव फायर ड्रिल की तस्वीर साउथ चाइना की है। पिछले कई दिनों से नॉर्दर्न थिएटर कमांड, ईस्टर्न थिएटर कमांड में चीनी सेना युद्ध का अभ्यास कर रही है। एक तरफ ड्रैगन साउथ चाइना सी में अपनी ताकत दिखाने में बिजी है तो दूसरी तरफ एलएसी पर चीनी फौज का जमावड़ा गिदगिद नजरों से भारतीय सीमा की ओर देख रहे हैं। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, जिनपिंग का है यही प्लान पुराना। जी हाँ, साउथ चाइना सी में चीनी सेना अपनी जिस ताकत को दिखाने में मशहूर है और दुनिया का ध्यान अपनी ओर भटकाना चाहती है, लेकिन जिनपिंग के दिमाग में क्या चल रहा है ये दुनिया भले ना समझ पाए, लेकिन हिंदुस्तान जिनपिंग के दिमाग को स्कैन कर चुका है। पिछले 50 सालों से चीन ने कभी लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन 50 साल पहले जब ड्रैगन ने 1962 का जंग हिंदुस्तान से लड़ा था तब भी इसी प्लान के तहत भारत के कई हिस्सों पर कब्जा जमाया था। तब चीनी साजिश के आगे हिंदुस्तान ने कड़ी टक्कर दी थी। हमले से पहले ड्रैगन लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश लगातार छोटी मोटी झड़पों को अंजाम देता रहा है और उसकी आड़ में साजिश रचता रहा है। तब चीन एलएसी पर भारतीय फौज से झड़पें करता और कोरिया से उलझकर दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करता कि उसकी नजरें कहीं और हैं, और बिना तैयार भारतीय फौज पर हमला करके चीन ने अपनी साजिश को अंजाम दे दिया। अपने 50 साल इसी पुराने प्लान पर जिनपिंग ने दिमागी कसरत की है और इसी प्लान के बूते ड्रैगन साउथ चाइना सी में अपनी ताकत दिखा रहा है और भारतीय फौज से उलझकर अपनी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। इधर अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने चीन के खतरनाक मंसूबों का एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। अब ड्रैगन ऐसी मिसाइल तैयार कर रहा है जो सिर्फ 30 मिनट में अमेरिका पर 1000 परमाणु बम गिरा सकती है। ड्रैगन क्या करके मानेगा किसी को अंदाजा नहीं। वो लगातार वीडियो जारी करता है और अपना दुस्साहसी चरित्र पूरी दुनिया को दिखाता है। चीनी वायुसेना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है, उसमें ड्रैगन की सेना ये अपना झूठा चरित्र दिखा रही है कि H-6 बॉम्बर प्लेन एक आइलैंड पर हमला करते हैं और उसे बर्बाद कर रहे हैं। इस वीडियो में हमले वाली जगह को अमेरिकी गुआम एयरबेस की तरह दिखाया गया है, मतलब ड्रैगन सुपर पावर को खुली चुनौती दे रहा है। उधर अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने दावा किया है कि चीन ने अपनी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की टेस्टिंग पिछले 10 सालों में काफी तेज कर दी है। चीन की इस तैयारी को अमेरिका ने
इतिहास की सबसे बड़ी तैयारी बताया है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने पिछले हफ्ते एक मीटिंग के दौरान सैटेलाइट तस्वीरों को जारी किया। अमेरिकी न्यूज चैनल CBS ऑस्टिन ने दावा किया है कि चीन ऐसी मिसाइल तैयार कर रहा है जो सिर्फ 30 मिनट में अमेरिका पर 1000 परमाणु बम गिरा सकती है। स्टेट डिपार्टमेंट ने दावा किया है कि 2020 में चीन ने कोरोना वायरस के बावजूद कम से कम 70 टेस्ट लॉन्च किए। इस दौरान बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का परीक्षण भी किया गया। 2019 में चीन ने 225 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए थे। ये दुनिया में दूसरे सभी देशों से मिलाकर ज्यादा था। अमेरिकी चैनल CBS ऑस्टिन ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा है कि अमेरिका और रूस ने 1500 परमाणु हथियारों तक सीमित रहने का फैसला किया है, जबकि चीन की प्रोपेगेंडा रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रैगन ने एडवांस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम DF-41 को तैयार करने का प्लान बनाया है। ये 9000 मील तक वार कर सकती है, यानी कि अमेरिका में सिर्फ 30 मिनट के अंदर 1000 परमाणु हथियार गिरा सकती है, यानी चीन के इरादे खतरनाक हैं। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,